फैन कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खुश आमदीद, मैं अपने प्यार प्यार व्यूअर्स का खुश आमदीद करता हूं। आप देख रहे हैं अपना चैनल उमर एंड सरफराज व्लॉग्स। आज हम आपके लिए, अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं हम अपने व्यूअर्स के लिए। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमें ये सब कुछ अपने चिकन पुलाव के लिए चाहिए होगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमको लेना होगा ऑयल। ऑयल को हम अच्छी इसमें अपने बर्तन में डाल लेंगे। एक कप अपने ऑयल लेना है, ठीक है। एक किलो गोश्त का हम चिकन पुलाव बना रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक कप ऑयल, जो कि हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने आग को थोड़ा तेज़ रखना है और अपना प्याज जो है, प्याज आपने तकरीबन तीन प्याज आपने इसमें घी में एंटर कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा रेड करना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है, ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। जी, साथ ही हमने थोड़ा सा, जब थोड़ा सा रेड हो जाएंगे प्याज, साथ ही हमने ज़ीरा और ये जो पत्ते हैं बिरयानी चिकन पुलाव के, वो हमने एंटर कर देने हैं, ताकि ये भी थोड़ा सा साथ में भुने जाएं, रेड हो जाए। जी नाज़रीन, देखें हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसको हमने अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं जैसा कि प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अच्छी तरीके से आपने ब्राउन करने हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मिक्स करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक का लहसुन का पेस्ट मिक्स कर लिया मिक्स, उसके बाद हमने ये अदरक का पेस्ट मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। इसको भी हमने ब्राउन करना है। इसको भी हमने तकरीबन 2-3 मिनट जो है फ्राई करना है, अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जी तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो भी ब्राउन हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हमने किया है। अब हम इसमें एंटर करेंगे अपना 1 kg, जो 1 किलो हमने चिकन लिया था, वो एंटर करके इसको भी अच्छी तरह हम भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने इसमें एंटर कर दिया। हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जी तो नाज़रीन, ये देखें हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, अभी अच्छे तरीके से हम इसको और फ्राई करेंगे। और हमारी कोशिश है कि हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करके तो फिर हम इसको ऊपर से जो है ये डांप देंगे, ताकि। जी तो नाज़रीन, ये देखें हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, जितना हमने जिस मकदार में फ्राई करना था वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें एंटर करेंगे जो आग है, इसको हल्का सा आंच कर लेंगे इसकी, और फिर हम इसमें एंटर करेंगे अपना टमाटर। ये देखिए, हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये टमाटर हमने ऐड किए। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये नमक
दो बड़े चमचे आपने नमक के ये ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें रेड मिर्चें वो ऐड करेंगे, लाल मिर्चें सुरख मिर्चें जिसको बोला जाता है, ये हम ये दो चम्मच ये ऐड करेंगे। और उसके साथ ही हम अपना ये दही का एक कप हम ये ऐड कर लेंगे इसमें। जी ये इसको हम अब अच्छी अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भून जाए और हम इसको डांप देंगे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं हमारा गोश्त अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया, अपने मसाले को अपना जो जो हमने चीज़ एंटर की थी हमने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे जो कि चावलों को हम चावलों को हमने बॉईल करना है, इसलिए हम इसमें अब पानी एंटर करने लगे हैं। पानी हम 6 गिलास हम इसमें पानी के डालेंगे, 6 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये देखिए हमारा जो हमने पानी डाला था ये उसको उबाला आ चुका है, ये देखिए उबाला आ चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, चावल हमने इसमें अपने इस जो 6 गिलास पानी लिया था इसमें हमने 3 गिलास चावलों के डालने हैं, 3 गिलास चावलों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारी अब रेसिपी जो हमने चावल डाल दिए हैं इसमें, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ताकि हमारा ये जो पानी है ये जज़ब हो जाए। जी तो व्यूअर्स बबल्स बनने तक हम इसको जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तब हम इसको दम पे रख देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि व्यूअर्स बबल्स बनना शुरू हो रहे हैं लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुए, हम बबल्स बनने का मुकम्मल इंतज़ार करेंगे। जी व्यूअर्स हमारा पानी हो गया है खुश्क, ये देखें बबल्स बन रहे हैं और हमारा पानी मुकम्मल तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे लगाने लगे हैं, अब हम इसको दम पे लगा देते हैं। जी नाज़रीन ये देखें हम अब इसको दम पे लगा देंगे, ये हमने दम पे लगा दिया। अब हम इसको थोड़ा वेट करेंगे फिर इंशाल्लाह हम दम से उतार के हम अपने प्यारी से व्यूअर्स के को दिखाएंगे आपकी जो हमने आपके लिए रेसिपी तैयार की है
चिकन पुलाव की वो कैसी लगी। 5 मिनट के लिए हम इसको जो इसका दम पे लगा चुके हैं, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हमने 5 या 6 मिनट के लिए हमने इसे दम लगाना है। गो जी व्यूअर्स, अभी हमने इसको दम से उतार लिया है, ये हमने इसको दम से उतार दिया है। ये देखें कितने प्यारे चिकन पुलाव बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें अभी हमने इसको दम से उतार दिया है, अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसी लगी हमारी चिकन पुलाव डिश, देखें कितनी खूबसूरत है। और अभी मैं जो है मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को यही कहूँगा कि आप अपने आप बनाएं, अपने घर वालों को भी मेरी रेसिपी टेस्ट करवाइएगा ज़रूर, और बहुत मज़ेदार बनाया है, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ज़्यादा आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने अपनी रेसिपी मुकम्मल कर ली है। अभी हमारा पुलाव तैयार हो चुका है और मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाओ बहुत मज़ेदार है। सब फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा नए आने वाला नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अपने ज़रूर मेरी रेसिपी अपने घर में बनाइएगा, अपने घर वालों को भी इसका टेस्ट करवाइएगा और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।